गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आलोक में। मैं गौरव रंजन पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं भूगोल की कक्षा में। वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं हम लोग और हम आज आपको यूरोप की, बल्कि कल हमने यूरोप की सैर कराई थी आपको, आज फिर से एक बार और यूरोप घूम लीजिएगा। आज आपको यूरोप की नदियाँ घूमना है, यूरोप की नदियाँ, यूरोप के पठार, ये सारी चीज़ें देखना। मैं हमने कल भी आपको बताया था, आज पुनः एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि यूरोप में अधिकांश देशों की जो कैपिटल है, राजधानियां हैं, वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसी हुई है। हमने क्या कहा कि अधिकांश देशों की जो राजधानियां हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक एक से नदी समझाऊंगा कहां पर नदी गिरती है, ठीक ना, कहां पर नदी गिरती है, कैसे निकलती है, किन दो देशों की मदद सीमा बनाती है, एक एक से हम लोग नदियां पढ़ लेंगे। तो नदियां पढ़ना हम यहाँ से स्टार्ट, देखिएगा नदियां तो बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारी नदियां पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप वही पढ़िएगा टू द एग्जाम, टू द पॉइंट पढ़िएगा, जो एग्जाम में आ रहा है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैं सिर्फ वही नदी पढ़ाने चल रहा हूँ आपको। 101 क्वेश्चन आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। देखिएगा यहाँ से पढ़ते हैं हम। तो बाबू आइसलैंड देश है, यहाँ पर एक सागर है, सागर का नाम है नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे, नॉर्वे के आगे जो देश है उसका नाम है स्वीडन, स्वीडन के आगे यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, उसके आगे एक देश है देश का नाम है फिनलैंड, फिनलैंड देश के नीचे बढ़ेंगे तो तीन कंट्री हैं जिनको हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीन कंट्री हैं, तीन देश हैं जो कहाँ पर हैं, बाल्टिक सागर के किनारे हैं, बाल्टिक सागर के किनारे हैं। उसके बाद इनके आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इस देश की नदी पढ़ना है, इस देश का नाम है पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड। पोलैंड देश में आपको दो महत्वपूर्ण नदियां पढ़नी है। देखिएगा हम डायग्राम बनाते इसी में। पोलैंड में एक नदी यहां पर बह रही है ऐसे और जाके यहां पर अपना पानी गिराती है, दूसरी नदी यहां पर ऐसी बह रही है और ऐसी अपना पानी यहां गिराती है। तो इसको हम एक नंबर देते हैं और इसको हम दो नंबर देते हैं। तो जो पहले नंबर की नदी है, जो आपके पहले नंबर की नदी है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है विस्तुला। जो पहले नंबर का बनाए हैं, इस नदी का नाम क्या है? विस्तुला। कौन सी नदी है? विस्तुला। विस्तुला नदी अपना पानी कहां गिरा रही है? ऊपर। और यहां पर कौन सा सागर है? तो यहां पर जो सागर है पोलैंड के ऊपर जो सागर है, उस सागर का नाम है बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। पहली नदी है हमने पोलैंड में बताई आपको, नदी का नाम विस्तुला, पानी कहां गिराती है? बाल्टिक सागर में। विस्तुला नदी के किनारे एक शहर बसा है और इस शहर का नाम है वारसा, वासे विस्तुला और वासे वारसा। तो विस्तुला नदी के किनारे एक शहर बसा है, शहर का नाम है वारसा। किस नदी किनारे? विस्तुला। ये जो वारसा है पोलैंड की राजधानी है, वारसा जो है वो पोलैंड की राजधानी है। तो पोलैंड की राजधानी वारसा किस नदी के किनारे है? तो पोलैंड की राजधानी वारसा किस नदी के किनारे है? विस्तुला नदी के किनारे। कहां पर है? विस्तुला नदी के किनारे है। और विस्तुला नदी कहां पर अपना पानी गिराती है? बाल्टिक सी में। जो दूसरी नदी बनाए हैं, ये वाली जो दूसरी नदी है, इस नदी का नाम है ओडर नदी। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है ओडर नदी। नदी का नाम ओडर नदी। ओडर नदी भी अपना पानी कहां गिरा रही है? तो ओडर नदी भी अपना पानी गिराती है बाल्टिक सी में, बाल्टिक सागर में, ठीक ना। नदी कहां से उद्गमित होती है आपको अभी नहीं समझना है, बाद में समझाते हैं। ओडर नदी पोलैंड में बहती है, कहां बहती है? पोलैंड में बहती है। पोलैंड से आगे बढ़ती है, तो पोलैंड से जब आगे बढ़ती है तो पोलैंड के बाजू में यहां पर कौन सा देश है? जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी की बाउंड्री पर बहती है। विशेषता यह है ओडर नदी की कि यह पोलैंड एक देश है जिसका नाम है पोलैंड, और एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है, तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम, तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम है ओडर। कौन सी नदी है? ओडर। कहां पे अपना पानी गिरा रही है? बाल्टिक सी में, बाल्टिक सागर में। किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है, बाउंड्रीज बनाती है? तो एक का नाम है पोलैंड और दूसरे का नाम है जर्मनी। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य क्या करती है? अपनी सीमा बनाती है। कौन सी नदी है? नदी का नाम है ओडर। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है ओडर। तो पोलैंड में हमने दो नदियां पढ़ी, एक का नाम वारसा, सॉरी, एक का नाम विस्तुला और एक का नाम ओडर। विस्तुला नदी की विशेषता ये है, किस नदी किनारे पोलैंड की राजधानी है?
जबकि ओडर नदी की विशेषता यह है कि ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी के मध्य में सीमा बनाती है। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में सीमा बनाने वाली नदी का नाम ओडर। दोनों नदियां अपना पानी कहां गिराती हैं? तो दोनों नदियां अपना पानी गिरा देती हैं आपकी बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सी में अपना पानी गिराती हैं। इतनी बात क्लियर है? अगर बात क्लियर तो आगे देखते हैं पोलैंड के आगे। बाबू इतनी बात क्लियर है ना? मिटा दूं? चलिए, अगली नदी पोलैंड के आगे बढ़ेंगे जर्मनी। जर्मनी में आपको तीन नदियां पड़ेंगी। जर्मनी में एक नदी तो यहां पर बहती है और अपना पानी कहां गिरा रही है? नॉर्थ सी में। तो इसको हम एक नंबर दे देते हैं। जो जर्मनी की नदी पड़ रहा है, जर्मनी की जो पहली नदी है, इस नदी का नाम है एल्ब नदी। नदी का नाम एल्ब। अपना पानी कहां गिरा रही है? तो उत्तर सागर में, नॉर्थ सी उत्तर सागर में गिराती है। उत्तर सागर कहां गिराती है अपना जल? तो अपना जल गिराती है उत्तर सागर में एल्ब नदी। एल्ब नदी के किनारे जर्मनी के दो महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। एक तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन एल्ब नदी के किनारे है। दूसरा, एल्ब नदी किनारे एक और शहर बसा है जिसका नाम है हेमबर्ग। हेमबर्ग बंदरगाह, एक बंदरगाह है, एक प्रकार का बंदरगाह शहर है, ठीक ना? तो बंदरगाह है, ठीक ना? तो हेमबर्ग है और दूसरा है कौन सा? बर्लिन। तो बर्लिन और हेमबर्ग किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो जिस नदी किनारे, उस नदी का नाम है एल्ब। और एल्ब नदी अपना पानी कहां गिरा रही है? तो उत्तर सागर। उत्तर सागर, ठीक ना? एल्ब। एल्ब के बाद एक नदी यहां पर है, यहां पर है राइन नदी। ये नदी ऐसी बहती है जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी के बाद ये नदी जाती है नीदरलैंड। और नीदरलैंड के बाद कहां पर अपना पानी गिराती है? तो अपना पानी गिरा देती है उत्तर सागर में। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है राइन। इसको हम दो नाम दे देते हैं। तो राइन नदी, राइन नदी, राइन नदी अपना पानी कहां गिरा रही है? तो राइन नदी अपना पानी गिराती है उत्तर सागर में। राइन नदी अपना पानी कहां गिराती है? तो राइन नदी अपना पानी गिराती है उत्तर सागर में। दूसरी बात, जो राइन नदी का जो क्षेत्र है जहां पे राइन नदी बहती है, राइन नदी का क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राइन नदी का क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राइन नदी से एक छोटी सी नदी आके मिलती है, यानी राइन नदी की एक सहायक नदी है। राइन नदी की एक सहायक नदी है और राइन नदी की जो सहायक नदी है उस नदी का नाम रूर नदी। राइन नदी की एक सहायक नदी है और राइन नदी की जो सहायक नदी है उस नदी का नाम है रूर नदी। तो अगर देखा जाए तो राइन नदी और रूर नदी का जो क्षेत्र, मतलब है ऐसी राइन बह रही है और ऐसी रूर, तो रूर और राइन नदी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में कोयला की प्राप्ति होती है। यदि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में किसी नदी क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है तो रूर नदी का क्षेत्र। और अगर मान लीजिएगा जोड़े में पूछा जाए तो रूर और राइन एक ऑप्शन मिलेगा, उसी को आप सही कर लीजिएगा कि रूर और राइन नदी के क्षेत्र से विश्व में सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक ना? एक बात तो ये। दूसरी बात, जो राइन नदी का क्षेत्र है, अगर आपको नॉर्थ सी से जलमार्ग के द्वारा आगे जाना है तो राइन नदी में क्या किया गया? जलमार्ग बनाए गए। राइन नदी में जलमार्ग है, तो जो राइन नदी का जलमार्ग है वो यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। अंतरस्थल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्थल के अंदर है, स्थल से अंदर होके जाता है। जैसा आपको याद होगा उत्तर अमेरिका में हमने पढ़ाया था आपको, सेंट लॉरेंस नदी का जो क्षेत्र है वो उत्तर अमेरिका का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। यहाँ पर बता रहा हूँ यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइन नदी का जलमार्ग। तो जहाँ पर राइन नदी बहती है वहीं पर जलमार्ग के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो राइन नदी का जो क्षेत्र है वो क्या है? वो यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है, ठीक ना? यहाँ पर ये राइन नदी बहती है, तो राइन नदी का जो क्षेत्र है, राइन नदी का जो क्षेत्र है उससे कोयला मिलता है। और राइन नदी के क्षेत्र में एक चीज और है, राइन नदी जो है वो विश्व का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग का उदाहरण है, ठीक ना? राइन नदी, ठीक ना? तो जर्मनी की दो महत्वपूर्ण नदी है, एक का नाम एल्ब और दूसरे का नाम राइन। दोनों अपनी पानी कहां गिराती हैं? उत्तर सागर में। जबकि पोलैंड की दोनों नदियां अपना पानी कहां गिराती हैं? तो पोलैंड की जो दोनों नदियां वो अपना पानी कहां गिराती थी? बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी में अपना पानी गिराती थी, ठीक ना? चलिए इतना हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। तो जर्मनी, जर्मनी के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक देश है, देश का नाम है फ्रांस।
जर्मनी के आगे जो देश है उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। तो फ्रांस, हम कहाँ चलते हैं? हम अब हम चलते हैं फ्रांस देश में। फ्रांस, फ्रांस देश में भी आपको दो नदियां पढ़नी है। एक नदी का नाम है शियन नदी, सियन, सियन नदी फ्रांस में। सियन नदी यहां पर बह रही है और अपना पानी कहां गिराती है? इंग्लिश चैनल में। कहां गिरा रही है अपना पानी? तो अपना पानी गिराती है इंग्लिश, इंग्लिश चैनल। अपना पानी कहां गिराती है? सियन नदी। तो सियन नदी जो है वो अपना जल इंग्लिश चैनल में गिराती है। सियन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। सियन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे बसी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जिस नदी के किनारे बसी हुई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका सियन नदी। कौन सी नदी है? तो नदी का नाम है सियन नदी। आगे देखिएगा, एक नदी और है, ठीक ना? ए नदी का नाम लॉर नदी, LOIRE, लॉयर, लॉर नदी। लॉर नदी यहां से बहती है और अपना पानी कहां पे गिराती है? यहां पर कहां पे गिराती है? विस्के की खाड़ी में। कहां पे गिराती है? विस्के, विस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है। लॉयर नदी बोलते हैं, LOIRE, लॉयर नदी। अपना पानी कहाँ गिराती है? तो विस्के की खाड़ी में। इस नदी के किनारे यहाँ पर एक बंदरगाह है, शहर है लोअर नदी किनारे, नांटेंस या नांटेंस, नांटेंस या नांटेंस बंदरगाह। ये बंदरगाह जो है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग। फ्रांस का नांटेंस बंदरगाह किसके लिए जाना जाता है? तो फ्रांस का नांटेंस बंदरगाह जो है वो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह? नांटेंस बंदरगाह, कागज उद्योग के लिए। किस नदी किनारे? लोअर नदी किनारे। कहां पर बहती है? फ्रांस में बहती है। कहां पर अपना जल गिराती है? तो विस्के की खाड़ी में। एक नदी है जिसका नाम है सियन नदी, ये भी फ्रांस में बहती है। और सियन नदी के किनारे, सियन नदी किनारे क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और सियन नदी जो है वो अपना जल कहां गिराती है? तो सियन नदी अपना जल गिराती है इंग्लिश चैनल में। कहां गिराती है? इंग्लिश चैनल। तो दो नदी पोलैंड में, दो नदी जर्मनी में, और दो नदी हमने कहां पे देखी? फ्रांस में। अब आगे, ठीक ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना भाई? चलिए, अगर बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ठीक ना? चलिए, इतना हो गया, इतना हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखते हैं, देखिए, यहां पर एक देश है जिसका नाम है स्पेन, और स्पेन के बाद है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल में एक नदी तो यहां पर बह रही है जो आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पर टॉगस नदी। एक नदी और बहती है यहां पर, डूरो नदी। तो एक नदी है टॉगस, टॉगस नदी, और एक नदी है डूरो नदी, डूरो नदी। टॉगस और डूरो ये दोनों नदियां बहती कहां पर हैं? तो स्पेन से निकलती हैं। स्पेन के बाद कहां जाती हैं? तो स्पेन के बाद चली जाती हैं पुर्तगाल में। तो कहां पर बहती हैं? तो टॉगस और डूरो जो नदियां हैं वो स्पेन और पुर्तगाल में बहती है। स्पेन से निकलती हैं और पुर्तगाल से होते हुए कहां पर अपना पानी गिराती हैं? तो दोनों नदियां अपना पानी गिराती हैं अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में। कहां पर अपना जल गिराती हैं? तो अपना जल गिराती है अटलांटिक महासागर में, ठीक ना? जो आपकी टॉगस नदी है, टॉगस नदी किनारे एक शहर स्थित है, और टॉगस नदी किनारे जो शहर है उस शहर का नाम है लिस्बन। कहां की राजधानी है? पुर्तगाल। लिस्बन कहां की राजधानी है? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस नदी किनारे है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है टॉगस। क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है टॉगस, ठीक ना? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टॉगस नदी किनारे है। यहां स्पेन में, स्पेन में देखिए लिखा है, स्पेन देश में, स्पेन देश में एक शहर है और शहर का नाम है सेविल्ले। स्पेन देश में एक शहर है
और इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम है सेविल्ले शहर, स्पेन का सेविल्ले शहर। और जो स्पेन का सेविल्ले शहर है ये यूरोप का सबसे गर्म शहर है, यूरोप का सबसे गर्म शहर। तो यूरोप का सबसे गर्म शहर का नाम बताइएगा। तो यूरोप का जो सबसे गर्म शहर है वो है स्पेन, सॉरी यूरोप का जो सबसे गर्म शहर है उसका नाम है सेविल्ले, और जिस देश में उस देश का नाम क्या है? स्पेन। तो स्पेन का सेविल्ले शहर यूरोप महाद्वीप का सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक ना, हॉटेस्ट प्लेस इन यूरोप। यूरोप का सबसे अधिक गर्म वाला शहर कौन सा? सेविल्ले, किस देश में है? स्पेन। तो हमने यहाँ की नदियाँ पढ़ा दी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक देश है, राहुल गांधी जी के मामा जी का घर है इटली, ठीक ना, चुनाव में हार हुई है उनकी, ठीक ना, चुनाव में हार हो गई है। तो इटली, इटली देश आते हैं, इटली की राजधानी कहाँ पर है? तो इटली की राजधानी है रोम, और जहाँ पर रोम है वहीं पर एक शहर है, बल्कि शहर नहीं कहना चाहिए, नाम तो उसका शहर ही है, वेटिकन सिटी, सिटी मतलब शहर, वेटिकन सिटी। लेकिन वेटिकन सिटी कोई शहर नहीं है, बल्कि वेटिकन सिटी एक देश है, विश्व का सबसे छोटा देश। तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है ना, वेटिकन सिटी किस देश में बसा है? तो इटली में बसा है, इटली के अंदर है, मतलब चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है, चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है। तो चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है कौन सा? वेटिकन सिटी। एक ऐसा देश जो चारों ओर से धरातल से घिरा होता है उसको हम नाम देते हैं स्थलाबद्ध देश। तो जो आपका वेटिकन सिटी है वह एक स्थलाबद्ध देश का उदाहरण है। चारों ओर से किस देश से घिरा हुआ है? तो इटली देश से घिरा हुआ है, इतनी बात याद रखिएगा। अब देखिएगा नदी के बारे में, यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण नदियां पढ़नी है, दो महत्वपूर्ण नदियां। एक तो इटली में नदी बहती है यहां पर पो नदी, इटली में बहती है पो नदी, और अपना पानी कहां गिराती है? एड्रियाटिक सागर। अपना पानी कहां गिराती है? एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? पो नदी। तो पो नदी जो है वो अपना जल कहां गिराती है? तो पो नदी अपना जल गिराती है एड्रियाटिक सागर में। कहां गिराती है पो नदी? तो पो नदी जो है वो अपना जल एड्रियाटिक सागर में गिराती है। पो नदी जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र को लोम्बार्डी का मैदान बोलते हैं, लोम्बार्डी का मैदान। क्या नाम दिया जाता है? लोम्बार्डी का मैदान। तो पो नदी जिस क्षेत्र से होकर बहती है उस क्षेत्र को लोम्बार्डी का मैदान बोलते हैं, और इस लोम्बार्डी के मैदान में सर्वाधिक मात्रा में चावल, और चावल के साथ साथ किसकी? तो चावल के साथ साथ गेहूं की कृषि की जाती है। लोम्बार्डी का जो मैदान है उस मैदान से होते हुए कौन सी नदी बहती है? तो उस मैदान से होते हुए नदी बहती है पो, और पो नदी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में चावल और गेहूं की कृषि की जाती है। तो इटली देश में यूरोप का सबसे अधिक चावल और सबसे अधिक क्या उगाया जाता है? गेहूं उगाया जाता है। इसलिए लोम्बार्डी का जो मैदान है उसे यूरोप का रोटी का कटोरा कहते हैं, ना कि चावल का ना कि गेहूं का, बल्कि किसका? रोटी का कटोरा कहते हैं। किसको? लोम्बार्डी के मैदान, किसी देश को नहीं बोलते हैं बल्कि लोम्बार्डी के मैदान को बोलते हैं, लोम्बार्डी का मैदान, याद रखना है अपन नाम, ठीक ना। अगला देखिएगा, एक और नदी बहती है यहीं पर, और इस नदी का नाम है टिवेर नदी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है टिवेर। टिवेर नदी भी ऐसे बहती है और अपना पानी टिरिहिनियन सागर में गिराती है। टिवेर नदी कहां पर अपना पानी गिरा देती है? टिरिहिनियन सागर, ठीक ना। एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ। टिवेर नदी है, टिरिहिनियन सागर में अपना जल गिराती है। इस टिवेर नदी किनारे दो शहर बसे हैं, एक तो इटली की राजधानी रोम। तो रोम शहर किस नदी के किनारे है? टिवेर नदी किनारे। दूसरा, टिवेर नदी किनारे विश्व का सबसे छोटा देश भी है, और जो विश्व का सबसे छोटा देश है उस देश का नाम क्या है? तो जो विश्व का सबसे छोटा देश है
उस देश का नाम है वेटिकन सिटी। तो टिबेर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी बसा है, आपको याद रखना है, ठीक ना। ये पूछा जाता है कि विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह किस नदी किनारे है, तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है टिबेर नदी। कहाँ पर बहती है, तो आपकी इटली में बहती है, रोम के समीप बहती है। तो इटली की दो महत्वपूर्ण नदियां हुई, इटली की दो महत्वपूर्ण नदियां हुई अगला देखिएगा, ठीक ना। इटली की ये दो महत्वपूर्ण नदियां थी, मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये बात का याद रखिएगा। है तो कई सारी नदियां, मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक नदी है जो जर्मनी से निकलती है, नदी का नाम ये यहां पर है, ये नदी बह रही है ऐसी, एक नदी है, इस नदी का नाम है जर्मनी, जर्मनी बहती है, देखिएगा जर्मनी में बहती है, ठीक ना, ऑस्ट्रिया में बहती है, जर्मनी में बहती है, ऑस्ट्रिया में बहती है, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी में बहती है, हंगरी हंगरी में बहती है, उसके बाद कहाँ बहती है, हंगरी के बाद कहाँ जाती है, सर्बिया में बहती है, सर्बिया, सर्बिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया, ठीक ना। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, रोमानिया, क्रोएशिया, ठीक ना। फिर से सुन लीजिएगा एक बार, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक ना, क्रोएशिया, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हैं, देखिएगा जर्मनी है, ठीक ना, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया, एक और है स्लोवाकिया, 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 और स्लोवाकिया के बाद हंगरी, हंगरी के बाद कहाँ पर आती है, तो हंगरी के बाद, हंगरी के बाद आपकी यहाँ पर आ जाती है सर्बिया, ठीक ना। तो अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक देश है यूक्रेन, एक देश कौन सा है, यूक्रेन। तो कितने शहर हो गए, कितने देश हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन 9 देशों से होते हुए एक नदी बहती है, नदी का नाम है डेन्यूब नदी, डेन्यूब, डेन्यूब नदी, कौन सी नदी है, इन 9 देशों से होते हुए विश्व की एक नदी बहती है, नदी का नाम है डेन्यूब नदी। विश्व की एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो विश्व के सर्वाधिक देशों से होकर बहती है, तो आपको नदी का यहाँ नाम याद रखना है, नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम क्या है आपकी, नदी का नाम है आपका डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी विश्व की एक ऐसी नदी है जो विश्व के सर्वाधिक देशों से होकर बहती है, सर्वाधिक देशों से होकर बहती है, ठीक ना। और अपना पानी जो है वो काला सागर में गिरा देती है, कहां पर अपना पानी गिरा देती है, काला सागर, तो काला सागर में अपना जल गिराती है, ठीक ना। यूक्रेन, यूक्रेन से होते हुए ऐसी जाती है यहां से ऐसी, और यूक्रेन से होते हुए काला सागर में अपना पानी गिराती है, ठीक ना। हाँ, रोमानिया, बुल्गारिया, हाँ ठीक, ठीक है, चलिए। तो एक एक तो ये नदी थी, नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है डेनू नदी, तो इंपॉर्टेंट नदी थी। अब एक दो नदी और हैं, वो मैं इस वाले मैप में दिखाता हूँ। यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर ये रूस देश है, रूस देश में यहाँ पर एक नदी बहती है, और जो नदी बह रही है इस नदी का नाम है बोलगा, कौन सी नदी है, बोलगा नदी है, कहाँ पर बहती है, तो रूस में बहती है, रूस में एक नदी बहती है बोलगा, और बोलगा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम, लंबी एवं बड़ी दोनों, लंबी एवं बड़ी, तो बोलगा नदी यूरोप की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, बोलगा नदी। अपना पानी कहाँ गिराती है, तो बोलगा नदी जो है वो अपना जल गिराती है कैस्पियन सागर में, अपना जल कहाँ गिराती है, तो अपना जल गिरा देती है कैस्पियन सागर, तो बोलगा नदी जो है वो अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है, यह यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी, केवल एक ही देश में बहती है, और देश का नाम क्या है, तो देश का नाम है रूस। तो जो भी यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां थी मैंने अभी तक नदियां समझाया, अब यूरोप के महत्वपूर्ण पर्वत, तो पर्वतों के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक ना। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहां पर नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे एवं स्वीडन देश में एक पर्वत है जिसका नाम है जुलोन पर्वत, कौन सा पर्वत है, जुलोन पर्वत,
ठीक ना, KJOLEN, जुलोन पर्वत, जुलोन माउंटेन, MOUNTAIN, जुलोन माउंटेन कहाँ पर है? नॉर्वे और स्वीडन में। जुलोन पर्वत से जो है लिग्नाइट कोयला की प्राप्ति होती है, लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? नॉर्वे और स्वीडन में जो पर्वत है, और इस पर्वत का नाम क्या है? जुलोन पर्वत। तो जुलोन पर्वत से किसकी प्राप्ति होती है? लिग्नाइट कोयला की प्राप्ति होती है जुलोन पर्वत से। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर पर्वत का नाम है पारेनीच पर्वत। कहाँ पर है मैं बता दे रहा हूँ, पारेनीच पर्वत, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, फ्रांस और स्पेन यहां पर है, ये है पारेनीच पर्वत। फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पर एक पर्वत, ऐसे पूछे जाते हैं पारेनीच पर्वत की अवस्थिति क्या है, तो फ्रांस और स्पेन का बाउंड्री, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। कौन सा पर्वत है? पारेनीच पर्वत है। यहां पर एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है आल्पस, यूरोप महाद्वीप का एक मोड़दार पर्वत है आल्पस। कौन सा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। आल्पस पर्वत पांच देशों में फैला है, आल्पस की बात हो रही है, तो आल्पस पांच देशों में फैला है। एक देश का नाम है फ्रांस, दूसरे देश का नाम है जर्मनी, तीसरे देश का नाम है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, चौथे देश का नाम है इटली, और अगले देश का नाम है ऑस्ट्रिया। आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप का एक मोड़दार पर्वत, पांच देशों में फैला है, पांच देशों में विस्तार इसका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। आल्पस पर्वत की एक सबसे ऊंची चोटी है, यहां पे लिखा है, उस चोटी का नाम है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक चोटी है एक, कहां पर है? आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, किस देश में है? तो जिस देश में, उस देश का नाम क्या है? फ्रांस। तो फ्रांस में आल्पस पर, ना कि यूरोप महाद्वीप की, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माउंट ब्लांक, BLANC, माउंट ब्लांक, जो कि आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है, किस देश में है? वह फ्रांस में है। और विशेषता क्या है इसकी? तो विशेषता यही है कि आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है। आल्पस किस प्रकार का पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। ठीक ना, इतनी बात हो गई। अगर इतनी बात हो गई तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर इतनी बात हो गई है तो यहां पर आल्पस हो गया। उसके बाद इटली में एक पर्वत है जिसका नाम है एपिनाइंस पर्वत, एपिनाइंस पर्वत है। कहां पर है? तो एपिनाइंस पर्वत इटली में है। इसी एपिनाइंस पर्वत से एक नदी निकलती थी जो अभी हमने आपको पढ़ाया था, पो नदी। इसी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? पो नदी। तो एपिनाइंस पर्वत जो कि इटली में है, और इसी इटली के एपिनाइंस पर्वत से एक नदी निकलती है, पो। उसके बाद एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और जिस देश में है उस देश का नाम है जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी। और ब्लैक फॉरेस्ट के साथ साथ, यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट हो गया जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट के यहां पर फ्रांस देश है, और फ्रांस में एक पर्वत है बॉसजीस, बॉसजीस, बॉसजीस पर्वत है। कहां पर है? तो बॉसजीस पर्वत आपका फ्रांस में है। तो फ्रांस में बॉसजीस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मन में, इन दोनों पर्वतों की सीमा से होती हुई एक नदी गुजरती है, नदी का नाम है राइन नदी, राइन नदी। दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र को घाटी कहते हैं, और ये पहले पर्वत जोड़े हुए थे, टूट गए, इसलिए बीच वाले क्षेत्र को हम भ्रंस बोलते हैं। तो राइन नदी किन दो पर्वतों के मध्य से बहती है? तो एक फ्रांस का बॉसजीस पर्वत के मध्य से बहती है, और दूसरा जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। तो दो पर्वतों के मध्य से बहती है कौन सी नदी? राइन नदी। और दो पर्वतों के जो मध्य का क्षेत्र है उसको हमने एक नाम दे दिया, भ्रंस घाटी। तो यूरोप महाद्वीप की एक ऐसी नदी का नाम बताइएगा जो भ्रंस घाटी से होकर बहती है, तो नदी का नाम हो गया राइन नदी। नदी का नाम क्या हो गया? नदी का नाम हो गया राइन नदी। चलिए इसको हम मिटा दें। अब देखिएगा, यहां पर एक पर्वत है, नाम यहां पर लिखा है काकेशस।
तो यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है? तो पर्वत का नाम है काकेशस, काकेशस पर्वत है, ठीक ना। आप देख रहे हैं काकेशस पर्वत के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है यूरोप है, और यहां पर देखिएगा एक नाम लिखा है एशिया। तो काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है। काकेशस पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुज। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रुज। तो माउंट एल्ब्रुज चोटी है काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और यही जो काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है यही क्या है, यह यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्ब्रुज। किस पर्वत पर है? काकेशस। यहां पर एक पर्वत है, देख रहे हैं ये नाम लिखा है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के इस साइड वाला भाग जो है वो यूरोप है और इस साइड वाला भाग एशिया है। तो एक पर्वत है यूराल पर्वत, एक हो गया यूराल पर्वत और एक हो गया काकेशस पर्वत। ये दोनों पर्वत करते क्या है? यूरोप महाद्वीप को, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, यूरोप को एशिया, एशिया से पृथक करते हैं, पृथक करते हैं। तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाले पर्वत का नाम बताइएगा। तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाले दो पर्वत हैं, एक का नाम है काकेशस पर्वत और एक का नाम है यूराल पर्वत। यहां पर एक सागर है कैस्पियन सागर। ये देखा जाए तो कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं बल्कि झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। और एक यहां पर सागर है जिसका नाम है ब्लैक सागर, एक यहां पर सागर है जिसका नाम ब्लैक सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाले दो पर्वतों के नाम, तो आप बताएंगे काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। यदि आपसे पूछे जाए कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाले दो झीलों के नाम या दो सागरों के नाम, तो एक का नाम है कैस्पियन और दूसरे का नाम काला। वास्तव में सागर ना होकर झील है, क्योंकि झील उसे कहते हैं जिसके चारों ओर धरातल हो। सागर उसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं? जिसके तीन ओर जल हो और एक ओर धरातल हो, जिसके तीन ओर जल हो एक ओर धरातल हो उसको हम सागर कहते हैं। जबकि आप अच्छे से देखिएगा तो चारों ओर इसके धरातल, इसलिए हम इसको झील कहते हैं, ठीक ना। तो अब कैस्पियन, जो कैस्पियन है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। अब मान लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ना आपसे खारा पूछ रहा है ना आपसे मीठा पूछ रहा है, बल्कि आपसे पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, तो विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी कैस्पियन। खारे पानी की भी पूछे तब भी कैस्पियन, और नॉर्मली सिर्फ बड़ी पूछे, ना खारा पूछे ना मीठा पूछे, तब भी कैस्पियन। तो यूरोप और एशिया की सीमा पर चार, दो पर्वत और दो झीलें हैं, या दो सागर भी कह सकते हैं हम, काकेशस, यूराल, काला सागर और कैस्पियन सागर। ये कहां पर? यूरोप और एशिया की सीमा पर। तो यूरोप महाद्वीप में जो भी इंपॉर्टेंट पर्वत थे या जो भी इंपॉर्टेंट नदियां थी वो हमने आपको सारी करा दी। तो यहीं पर आप कर आपका यूरोप महाद्वीप हो जाता है समाप्त। अब मात्र आपका एक महाद्वीप रह चुका है, और जो महाद्वीप रह चुका है उस महाद्वीप का नाम है एशिया। तो कल हम मिलते हैं, तो कल आपको हम एशिया महाद्वीप के बारे में समझाते हैं। तो कल मिलिएगा तो हम एशिया महाद्वीप को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।